हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा सा मैंने फोकस किया था उस टाइम पर, क्योंकि थियरी इसलिए नहीं किया था कि मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था थियरी। अब मुझे कोई भी काम करने के लिए दे सकते हैं प्रैक्टिकल, वो मैं ज्यादा कर सकता था, बट उसके बारे में लिखना, उसका थियोरेटिकल पार्ट मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने मैंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा। जितने भी कॉलेज में प्रोजेक्ट्स थे, काफी लोग कॉलेज में कॉपी पेस्ट करते हैं, बट मैंने सारे के सारे प्रोजेक्ट कॉलेज के दरमियान चारों चारों साल में मैंने खुद से बनाए थे, खुद ही से प्रेजेंट किए थे। और उससे थोड़ा सा अपने आप इंस्पिरेशन मिलती है, व्हेन यू अचीव अ स्मॉल टास्क यू फील लाइक आप कुछ अच्छा कर रहे हो। फिर मैंने इंजीनियरिंग खत्म हुई, एक साल के लिए आई वॉज थिंकिंग कि मैं बाहर जाऊंगा मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड। फैमिली कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स लोन अफोर्ड कर सके और मैं बाहर नहीं जा सका। फिर मैंने यहीं से एमबीए किया, और एमबीए के दरमियान मैंने एमबीए करते करते साथ में एक पार्ट टाइम काम किया था कुछ लोकल कंपनीज अहमदाबाद की, जिनके लिए वेबसाइट्स वगैरह बनाई थी, बिकॉज मैं आईटी इंजीनियर था और मैंने एमबीए की फीस उसमें से निकाल ली थी। और फिर 2012 के बाद आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक आईटी कंपनी की शुरुआत करूँ, ये सोचकर कि मैं आईटी इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ। सो एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बहुत कम लोग हैं जो एमबीए को बिजनेस की तरह लेते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो ये सोचते हैं कि प्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस होता है कि मुझे कॉलेज खत्म होते ही एक्स वाई जेड कंपनी में जॉब करनी है। बहुत सारी कंपनीज आई थी उस टाइम में जब मैं जॉब कर रहा था, बट मेरा पहले से क्लियर था गोल कि मुझे तुरंत जॉब नहीं लेनी है, प्लेसमेंट नहीं लेना है, मुझे कुछ ट्राई करना है अपने शुरुआत के सालों में। अगर सक्सेसफुल हुआ तो कंटिन्यू करूंगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जॉब तो फिर मैं कभी फ्यूचर में कर ही सकता हूँ। तो मैंने घर से शुरुआत की, अभी जो घर में बैठा हूँ मैं उसी घर से शुरुआत की। मैंने एक अपने बेडरूम को ही ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया था उस टाइम पर, थोड़े बहुत पैसे जुगाड़ करके पापा के पास, और एक दो फ्रेंड्स के साथ एक आईटी कंपनी की शुरुआत की, यू डेडिकेटेड, जहाँ पे हम लोग इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्स वगैरह बनाते थे। थोड़ा बहुत सीखा, 4 महीने 6 महीने बहुत टफ गए, क्योंकि इंजीनियरिंग 2009 में खत्म हो चुकी थी, कंपनी मैंने 2012 में स्टार्ट की थी, और 3 साल तक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर अगर काम ना करो तो आप भूल जाते हो। भूलने की बात तो दूर है, यहाँ पे हमारा सिलेबस ऐसा है कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करके तुरंत बाहर निकलते हो, फिर भी हमको याद नहीं होता है, हमको प्रैक्टिकली कंपनी में जाके सीखना ही पड़ता है। तो एक बात सोचो कि जब फ्रेशर हो आप फिर भी नहीं आता है, तो 3 साल के गैप के बाद तो आपको क्या ही आएगा, राइट। तो शुरुआत का टाइम बहुत स्ट्रगल वाला वाला रहा। हमने तो मेरे मेरे माइंड में बहुत सारे प्री कंसीव नोशन थे कि हमारे यहाँ पे एक जीआईडीसी है बटवा में, जहाँ पे बहुत सारे पैसे वाले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो मैं वहां पहुंच के उन लोगों को कन्विंस करता था। मुझे लगता था कि ये बहुत बहुत पैसे वाले हैं, तो इनके लिए पैसे देने के लिए भी ज्यादा होंगे वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। 4 महीने स्ट्रगल किया, इतना कुछ काम मिला नहीं, और उस टाइम में दिखता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हमारे साथ जो पढ़े लिखे पढ़े हुए लोग होते हैं, वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं, उनको अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलता है, कोई कहीं आउट ऑफ इंडिया चला जाता है मास्टर्स करने के लिए, तो एक थोड़ा सा फैमिली प्रेशर बन जाता है कि यार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आप 4 महीने 6 महीने आप क्या कर रहे हो अभी एंड देन 2015 तक में हमने कंपनी को स्टेबल कर लिया था, हम कुछ 12 लोग हुए थे धीरे धीरे करके। सो 8 महीने मुझे लगे खाली 12,000 रुपये का रेंट कलेक्ट करने के लिए, पहले 8 महीने। और उसमें भी क्या होता है, एक ऑफिस आप लेते हो तो तीन तीन रेंट आपको डिपॉजिट देने होते हैं, सो 36,000 रुपये डिपॉजिट देने के लिए मेरे को 8 महीने लगे थे शुरुआत के करियर में इकट्ठा करने के लिए पैसा। धीरे धीरे जैसे हर एक की लाइफ में स्ट्रगल होता है, विच इज वेरी कॉमन, तो वो रहा शुरुआत के टाइम में। हम एक कॉरपोरेट जगह पे ऑफिस लिया, थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन किया कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से, और 2015 में हमने एक नई कंपनी की शुरुआत की, alagran.com। सो चाइना में अलीबाबा करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सबको पता होगा, राइट, alibaba.com। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, और उस कंपनी में हर साल 11/11 को 11 तारीख और 11वां महीना को सेल होता है। जैसे अपने इंडिया में कैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे होता है, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है, वैसे ही अलीबाबा का पूरे पूरे वर्ल्ड में एक साथ सेल होता है। तो 2014 में 11/11 में ये सेल चल रहा था, और मैंने कहीं पे पढ़ा कि अलीबाबा ने 24 घंटों के अंदर 9.5 हजार करोड़ का टर्नओवर किया।
तो ये मेरे लिए एक थोड़ा शॉकिंग था कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो 9-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर आप 24 घंटे में कर सकते हो ऑनलाइन। और फिर मैंने इंडिया के लिए सब स्टडी करना स्टार्ट किया कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतने स्केल पर इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हो। और फॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम पे इतने कुछ ज्यादा ऑप्शन मिले नहीं, तो मुझे लगा चलो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे और चाइना में सिमिलैरिटी क्या है, पॉपुलेशन। हम हमारे और यूएस में सिमिलैरिटी क्या है, एस्पिरेशन फॉर द टेक्नोलॉजी, राइट। सो यूएस में जो बनता है हम उसको रेप्लीकेट करते हैं, चाइना में जो बनता है उस लेवल के प्राइसिंग पर हम पहुंचने के, सो वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द प्राइसिंग ऑफ चाइना एंड द क्वालिटी टुवर्ड्स यूएस, वी आर इन बिटवीन, राइट। सो हम इस तरीके से ट्राई करते हैं कि जितना कम सस्ते में हम प्रोडक्ट बना सके और जितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सके उतना हम बनाने के ट्राई करते हैं। तो हमने एक वेबसाइट बनाने का शुरुआत किया उस टाइम पर, और हमने alagram.com करके एक फैशन ई-कॉमर्स बनाया था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ उसके ऊपर, तो जो भी लोग आज के जमाने में अपना स्टार्टअप करने की शुरुआत कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पता चले कि हमने क्या सोच के उस टाइम पे शुरुआत की थी। तो स्टार्टअप कोई भी होता है वो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री या दुनिया फेस कर रही है उसका सॉल्यूशन है, राइट। हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, टैक्सी महंगी पड़ रही है, रिक्शा कंफर्टेबल नहीं है, तो उबर आ गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। हमको मूवी की टिकट बुक करनी है, मूवी थिएटर तक नहीं जाना है, तो बुक माई शो आ गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। हमको रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना है टिकट बुक करने के लिए, तो IRCTC.com है। सो हर एक प्रॉब्लम, हमको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, हमको तुरंत भूख लगी है कुछ खाना खाना है, तो जोमेटो स्विगी, राइट। सो जो भी प्रॉब्लम आप रियल टाइम में फेस करते हो आप खुद फेस करो, आपके आसपास के लोग फेस कर रहे हैं, अगर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हो थ्रू सम प्रोडक्ट सर्विस, दैट इज समथिंग यू नो यू कैन कन्वर्ट इनटू अ स्टार्टअप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज टू हैव अ रियल प्रॉब्लम जिसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, राइट। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता चला कि इंडिया में कोई एक्सक्लूसिव स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फैशन ई-कॉमर्स नहीं था। सो मिंत्रा एक इंडिया की सबसे बड़ी फैशन ई-कॉमर्स कंपनी है, बट वो इलाइट ब्रांड यानी प्रीमियम ब्रांड्स के लिए है, यानी कि अगर आप रेमंड, मान्यवर या यू नो नाइकी, रिबॉक, रेंगलर, ऐसे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं आपको मिंत्रा में मिल जाएंगे। बट इंदौर के काफी ऐसे छोटे दुकानदार होंगे जिनके प्रोडक्ट बहुत फेमस है, जो दुकान बहुत फेमस है, बट वो प्रोडक्ट आपको मिंत्रा पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो खाली एक ही शहर में है, इतना बड़ा उनका पूरे नेशनल लेवल पे ब्रांड नहीं है, राइट। उसी तरीके से अहमदाबाद से बहुत सारी ब्रांड्स थी जो अहमदाबाद में फेमस है पर अहमदाबाद के बाद बाहर उनको कोई नहीं जानता। तो हमने ऐसे ब्रांड्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया बना के और उनको ऑनलाइन हेल्प सेल करने में हेल्प की। 1 साल के अंदर हमने तकरीबन 1,000 ब्रांड को प्लेटफॉर्म दिया, 40,000 प्रोडक्ट को हमने लिस्टिंग किया सेल करने के लिए। हमको प्राइवेट इक्विटी फंड मिला, जैसे कि सर ने बोला $3 मिलियन वैल्यूएशन पर हमको पहला फंड मिला। हमको गूगल ने 70 लाख रुपए की सहायता की, हमको माइक्रोसॉफ्ट ने 27 लाख रुपए दिए, हमको स्टेट गवर्नमेंट ने, सो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे 21 लाख रुपए की ग्रांट दी। सो काफी अच्छा रहा वो 2-3 साल का समय जहाँ पर हम सब सीख रहे थे और यू नो वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प। और फिर पैसिफिका रियल एस्टेट करके एक कंपनी है जिन्होंने मेरी पूरी कंपनी टीम के साथ एक्वायर कर ली 2019 में, लास्ट ईयर। और 1 साल तक मैं उस कंपनी ने एक नई कंपनी लॉन्च की थी फ्रेंडी करके, फ्रेंडी हमारा एक सोशल कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, और उस कंपनी में मैं हेड ऑफ मार्केटिंग था फॉर 1 ईयर। उस मोबाइल एप्लीकेशन को हमने लास्ट सेप्टेम्बर में लॉन्च की और अभी तक उस मोबाइल एप्लीकेशन के 1.5 लाख डाउनलोड है 1 साल में। एंड अब मैं, जैसे कि मैडम ने बताया, नई कंपनी की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है हैशटैकी। इनफैक्ट कल से शुरुआत हो रही है, कल लापाचा में और कल हमारा मुहूर्त है। सो ये एक नया कंपनी है जो हम कल से शुरुआत कर रहे हैं। सो ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ था। अब तो आप समझ सकते हो कि मैं आप ही की तरह स्टूडेंट रहा, आप अभी पढ़ रहे हो, आप ही की तरह शुरुआत की, और आज तकरीबन 8 साल हो चुके हैं मेरी इस जर्नी को। बट कॉलेज ने क्या कंट्रीब्यूट किया है और व्हाई व्हाई यू नो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द कॉलेज, मैं थोड़े से एग्जांपल लूंगा, रियलिस्टिक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको पता चले, और हम ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे ताकि क्या रियलिटी है, क्या पॉसिबल नहीं है, हम उसके ऊपर बात कर सके, राइट। आई थिंक एवरीबडी इज अलाउड टू चैट इफ आई एम करेक्ट, राइट। कैन यस सर, एवरीबडी टाइप इन? ओके ओके। यस सर, सो एक काम करते हैं, इस जो 1 घंटा है उसको हम थोड़ा सा हम दो दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं इसको। पहली बात ये कि अगर हमको कॉलेज से
इसी लेवल पर इसी टाइम में अगर स्टार्टअप की शुरुआत करनी है, तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लग रहा है कि अगर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, तो मैं इस महीने नेक्स्ट 6 महीने में मैं पक्का एक स्टार्टअप करूंगा, या मुझे करना है, बट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आप अपने चैट में लिख सकते हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्रॉब्लम का। कुछ लोग सोचते हैं कि यार पैसा होता ना तुरंत मैं पक्का स्टार्टअप करता, कुछ लोग बोलते हैं टीम होती, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास अच्छा आइडिया होता तो मैं पक्का, पैसे मेरे पास है, मेरे पास आइडिया अच्छा नहीं है, कुछ भी। सो वट एवर एक्सपीरियंस, कुछ लोग बोलते हैं यार मैं फ्रेशर हूँ, यार इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं स्टार्टअप नहीं कर सकता। तो आपको जो भी पॉइंट्स लग रहे हो आपके लिए कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो मितेश भाई, तो मैं पक्का स्टार्टअप करूंगा, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप चैट में लिखे प्लीज। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे आपको। सो आई थिंक इफ एवरीबडी कैन प्लीज राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू फील कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं पक्का स्टार्टअप करूंगा या करूंगी। भावना, कैन यू चेक दैट दी चैट इज वर्किंग? चैट यस चालू है सर, ना? यस चलो सर, ना, ओके। तो आप बच्चों को बता दें कि बच्चे एक लिख सकते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम लग रहा है स्टार्टअप के लिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट दे फील लाइक। स्टूडेंट्स दिस इज द राइट टाइम, आप लोग सीरियसली कुछ भी फील फ्री टू टेल एनीथिंग, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है आपको। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर एबल टू राइट द चैट। डोरिया सर, जितेंद्र डोरिया सर, यस सर, नाउ नाउ इट्स वर्किंग नाउ सर, इट्स हाँ अभी इनेबल। चेंज कर दिया ना आपने? हाँ या ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन टाइप, आप कर सकते हैं। यस, इफ इफ एनीबडी कैन राइट एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू माइट बी फेसिंग फॉर स्टार्टिंग अप सर एक योर क्वेश्चन तो बिजनेस। मेरा ही है। ओके, ये प्राइवेटली सर मैसेज आ रहा है। यस सर, ओके। यस 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 मैम, प्लीज। सर यूजुअली जब हम लोग स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो फैमिली प्रेशर काफी रहता है, राइट? कि आप ओके लोग इस तरफ क्यों जाना चाहते हैं, इसी डायरेक्शन में जस्ट गो फॉर ओके एमएनसी, आप कोई एमएनसी लीजिए, आप एक स्मूथ लाइफ जिए, आपका कुछ अच्छा पैकेज हो, यू शुड नॉट गो फॉर स्टार्टअप। तो हाउ कैन वी ओवरकम दैट फैमिली प्रेशर? ओके सो फैमिली प्रेशर इज लेट्स से वन प्रॉब्लम टू यस कंसीडर, टू सर, बी कंसीडर्ड, राइट? ओके, फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, आई नीड एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम विच आर रियल प्रॉब्लम्स, एंड उसी को फिर मैं उसी को सॉल्व कर पाऊंगा, राइट? अगर आप मुझे प्रॉब्लम नहीं दोगे तो फिर मैं अपने खुद से प्रॉब्लम लूंगा, वो मेरे प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम हो ना हो। ठीक सो बेहतर है कि आप चैट में लिखे, आई एम स्टिल नॉट श्योर, आई थिंक पीपल आर सेंडिंग मी मैसेज इन प्राइवेट, यू कैन यू नो राइट इन पब्लिक एज वेल। स्टूडेंट, यू कैन राइट इन पब्लिक एज वेल, ओके हम लोग ओके भी पढ़ पाएंगे। ओके फंडिंग एंड गाइडेंस, आई हैव गॉट वन प्रॉब्लम इन प्राइवेट, फाइनेंसिंग व्हिच इज वन इन द सेम थिंग। यू कैन राइट इन पब्लिक टीम, ओके ओके। सो आई एम टेकिंग नोट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करेंगे आप ही के सामने, इधर ही इस कॉल पर ही सॉल्व करेंगे। सर हाउ टू कुछ स्टार्ट अप स्मॉल बिजनेस, वन क्वेश्चन इज फ्रॉम दी फैजान खान। सो फैमिली प्रेशर, देन सेकंड इज आइडिया, समवन इज सेइंग, सो टीम गिरिराज इज सेइंग आइडिया, देन थर्ड इज हाउ टू स्टार्ट अप स्मॉल, फोर्थ इज टीम, फिफ्थ इज द एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया, हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव वेबसाइट। सो इसको मैं करता हूँ टेक्निकलिटी, और वो एग्जीक्यूशन में आ गया, व्हाट टू डू फर्स्ट वो आइडिया में आ गया, क्या आइडिया है उसके, फिर आप उसके ऊपर से डिसाइड करोगे। एनी अदर बिग प्रॉब्लम, सोच लो आपको कल के कल एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, व्हाट डू यू नीड अपार्ट फ्रॉम मनी? पैसों, चलो पैसे आ गए, चलो। तो जो प्रॉब्लम किसी ने बोल दिया है वो तो मैं यू नो सॉल्व करूंगा ही, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विच आइडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट डू यू नीड। सो लेट्स से कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे को फाउंडर चाहिए तो मैं करूंगा, मैं अकेला नहीं कर सकता। कोई बोलेगा कि जैसे फैमिली का प्रेशर हटा दो मेरे पर से तो मैं कर पाऊंगा, राइट? कोई बोलेगा कि मेरे पास आइडिया है पर मुझे प्रोडक्ट, जैसे मुझे मुझे कार बनानी है, मेरे पास आइडिया अच्छा है पर मुझे कार बनाने का कुछ नॉलेज नहीं है, सो मैं मैकेनिक नहीं हूँ तो मुझे नहीं आता है,
तो आई नीड somebody who can do that, right? So Elon Musk खुद तो नहीं बनाता है SpaceX, right? He has employees who build it for him. Okay. So I'm adding one more thing. Experience. Of course, a lot of people are saying that in private. गवर्नमेंट परमिशन ओके somebody saying क्या गवर्नमेंट का परमिशन कुछ चीजों में चाहिए होगा वरना मैं नहीं कर सकता ठीक है गवर्नमेंट ओके सो वी हैव इनफ आई आल्सो ऐड द रियलिस्टिक वन फेलियर ऑफ फियर कि अगर मुझे पता तो गारंटेड सक्सेस है तो करूंगा मैं फेल होने वाला हूं तो मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे ना राइट सो लेट अस कम डाउन टू फ्यू टॉपिक्स एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट ड्यूरिंग द कॉल द वेरी फर्स्ट थिंग इज Let's say family pressure. Second is idea. How to start a small business will take in between team. So how to find a team or how to find how to build a team. Okay. Execution of idea, experience, and fear of failure. Government permission. So we have taken eight problems. And ab is problem ko hum implementation is one of the same thing, right? So execution. So I think we have enough problems. Now we'll try to solve that problem on the call itself. हम खुद नहीं करेंगे अभी कॉल पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है बट हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किसी ने दुनिया में सॉल्व किया है पहले हमसे पहले किसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है देखो सिंपल सी बात है अगर आप आई थिंक 283 पीपल आर देयर ऑन द कॉल राइट सो इफ आपके अंदर से पांच लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी के 282 लोग भी सॉल्व कर पाएंगे सारे के सारे जो बच्चे हैं एक ही क्लास एक ही कॉलेज से है तो अगर मेरा फ्रेंड कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ अब थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि मैं जिनका एग्जाम्पल ले रहा इस प्रॉब्लम्स के लिए वो लोग आपके जैसे करियर के शुरुआत में है एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट मैं रिवर्स में जाता हूँ सो सबसे जो आखिरी प्रॉब्लम था वो था फियर ऑफ फेलियर आई मीन यू डोंट नीड टू नो दैट के फेल होने से सबसे ज्यादा क्या पता चलता है हाउ टू फेल राइट एंड वेन यू नो हाउ टू फेल नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली यू माइट नॉट फेल राइट सो इंडिया में यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है कि कोई फेल हो मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ एग्जाम में फेल नहीं होना है इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है कि हम कुछ करने जाते और फेल होते तो लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं बट इंडिया के बाहर आप सिलिकॉन वैली में जाओगे जहाँ पे कोई एफर्ट करता है नया बिजनेस स्टार्ट करने का और वो दो चार बार फेल हो जाता है तो जब वो जॉब लेने के लिए जाता है तो उसको सबसे अच्छा पैकेज मिलता है क्यों अगर आपने एक बार बिजनेस किया हुआ है लेट्स से 6 महीने 1 साल 2 साल तो आपको बिजनेस का पूरा नॉलेज है इसका मतलब है खाली एचआर या फाइनेंस या मार्केटिंग नहीं बिकॉज यू हैव डन द बिजनेस यू नो द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ द बिजनेस राइट जो कि किसी भी कंपनी में एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक बंदे को शायद ना पता राइट क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे खाली मार्केटिंग का नॉलेज है फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है बट अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ इफ आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी मुझे सब पता है राइट अब बाहर के देशों में ऐसा क्यों है कि फेलियर को ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है इंडिया में भी जो अभी नए स्टार्टअप्स है जो कि हाईली फंडेड है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है दे आर नॉट लुकिंग एट द डिग्री दे ओनली नो इफ यू कैन डू सर्टन थिंग्स और नॉट दे ओनली वॉन्ट दैट राइट सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पे अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल का अपना बिजनेस चलाते हो किसी भी वजह से वो बिजनेस नहीं चल पाया आपने अच्छा खासा किया 3 4 साल बाद वो बंद हो गया अगर आप उस कंपनी में फिर भी जॉब के लिए एज अ सेकंड यू नो ऑप्शन अप्लाई करोगे आपको अच्छे से अच्छा पैकेज मिल जाएगा और एंड दे विल अप्रिशिएट योर एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years ऑफ डूइंग योर बिजनेस अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने जो बहुत बार फेल हुए हैं हमने बॉलीवुड में बहुत देखा है हमने बहुत सुना है बॉलीवुड में बच्चन साहब की इतनी पिक्चर नहीं चली थी अक्षय कुमार की 15 पिक्चर फ्लॉप गई थी एक जमाने में ये वो राइट हमने बहुत देखा है एंड देन दे हैव कम आउट एज अ सक्सेस एंड दे हैव बिल्ट एन अमेजिंग अमेजिंग पोर्टफोलियो ऑफ देयर ओन मूवीज नवाजुद्दीन सिद्दीकी पंकज त्रिपाठी दे आर ऑल द एग्जाम्पल कि उन्होंने सालों तक स्ट्रगल किया एंड देन टुडे दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एज वन ऑफ द Wonderful actors, right? अब यही चीजें बिजनेस में भी होती है एक आपको आप में से कितने लोगों को फ्री चार्ज पता है
फ्री चार्ज करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, राइट? पेटीएम जैसा एक यस सर, मोबाइल ऐप, फ्री चार्ज, राइट? अभी एक क्रेड करके एप्लीकेशन है, CRED, आपने शायद IPL में बहुत एडवर्टाइजमेंट यस किया था, सर, उन्होंने पता होगा, राइट? सो क्रेड जो है वो उन्हीं का है जिन्होंने फ्री चार्ज की शुरुआत की थी, कुणाल शाह. सो फ्री चार्ज कुणाल शाह की 9वीं कंपनी थी और क्रेड जो है वो 10वीं कंपनी है. सो व्हाई एम आई सेइंग दिस? आगे की 8 कंपनी कौन सी थी हमें पता है? डू वी केयर? नो डज कुणाल शाह केयर आगे की 8 कंपनी कौन थी? 9वीं कंपनी फ्री चार्ज गॉट एक्वायर्ड बाय स्नैपडील, 2400 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी एक्वायर हुई थी. और क्रेड इज वन ऑफ द हाई, यू नो, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया. आई मीन इमेजिन दे आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी टूडे विद इन 1 or 2 years ऑफ एन ऑपरेशन. सो इट्स ओके इफ योर फर्स्ट बिजनेस विल नॉट वर्क वेल, इफ योर सेकंड बिजनेस विल नॉट वर्क वेल, प्रोबेबली 9th और द 10th बिजनेस विल वर्क वेल, बट इन द प्रोसेस यू हैव टू लर्न. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, पेटीएम हमको आज इतना बड़ा बिजनेस लग रहा है, आज से 10 साल पहले, सो 2007 से 10 के बीच में वो कंपनी स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइव करने के लिए, राइट? और डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी. सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक दो बिजनेस नहीं चलेगा तो देर इज कंप्लीट फेलियर. मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ. इज फेसबुक द फर्स्ट सोशल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड? नो इट वॉज माई स्पेस. इज जीमेल द फर्स्ट ईमेल ऑफ द वर्ल्ड? नो देर आर प्लेंटी ऑफ ईमेल नेटवर्क्स बिफोर यस दैट, राइट? इज व्हाट्सएप द फर्स्ट चैट ऑफ द वर्ल्ड? ऐसा था, उसके पहले चैटिंग ही नहीं होता था. सो ऑल यू हैव टू डू व्हेन यू डू अ बिजनेस इज डू द राइट थिंग. इट्स नॉट लाइक क्या पहले हो तो सक्सेसफुली हो जाओगे. एंड देर इज इनफ स्पेस इन फ्यू बिजनेसेस जहां पे दो तीन प्लेयर हर एक इंडस्ट्री में होते हैं, राइट? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉप क्लूज, टेल मी द डिफरेंस. एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टेल मी द डिफरेंस. स्विगी, जोमेटो, उबर इट्स, टेल मी द डिफरेंस. उबर, ओला, टेल मी द डिफरेंस. ओके, देयर इज नॉट मच डिफरेंस दैट वी नो ऑफ, राइट? सो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले नहीं होगे तो भी नुकसान है. यू हैव एन इनफ स्पेस इन दिस कंट्री टू डू द बिजनेस. सो वो पहला प्रॉब्लम था जो आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि अगर फेल हो जाओ तो इतनी बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू इन द नेक्स्ट फेज. नाउ सेवंथ प्रॉब्लम वाज गवर्नमेंट परमिशन, समबडी रोट अबाउट इट. आज से 4-5 साल पहले गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को लेके इतना प्रोएक्टिव नहीं थे जितना आज के जमाने में. हमने गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव स्टार्टअप्स के बारे में बात करते, आपने कहीं ना कहीं टीवी पे सुना होगा, राइट? इनफेक्ट पार्लियामेंट तक लोग स्टार्टअप्स डिस्कस करते हैं. वी हैव अ सेंट्रल बॉडी विच रिकॉग्नाइजेस द स्टार्टअप, DPIIT इफ यू नो, राइट? जहाँ पे आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है सरकार की तरफ से कि आप एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो. बहुत सारी ग्रांट है गवर्नमेंट की जो आज के जमाने में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को अवेलेबल है. सो अहमदाबाद में ही मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी और ग्रांट्स गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसा भी मिलता है. आई एम श्योर MP में भी काफ़ी ऐसा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हेल्प अवेलेबल होगी, जहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को यू कैन रीच आउट. सो डिजिटल वर्ल्ड इज द बेस्ट, बिकॉज आप गवर्नमेंट की साइट पे जा सकते हो, लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और क्योंकि अभी आप एक ऑलरेडी कॉलेज में हो, आप कॉलेज के द्वारा भी गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो. आई एम श्योर द कॉलेज विल हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शन टू द गवर्नमेंट. अगर आपने ऐसा कुछ किया है, अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, तो कॉलेज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. सर, वी सो आई हैव थिंक इंक्यूबेशन सेंटर्स, ग्रेट, यू हैव इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन एंड सेंटर, इनोवेशन सेल आल्सो सर. ग्रेट. सो एग्जैक्टली, सो आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट टू रीचिंग आउट टू गवर्नमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम टूडे. आई थिंक 5-10 साल पहले था, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकली अवेलेबिलिटी नहीं थी. आज के जमाने में बहुत, जस्ट यू नीड टू हैव अ राइट प्रोडक्ट एंड राइट अप्रोच ऑफ रीचिंग आउट टू गवर्नमेंट, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट? अब हम आते हैं 6th प्रॉब्लम के ऊपर, विच इज एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस को तो कोई तोड़ नहीं है, अब कैसे करोगे? ये तो एक यू नो लूप होल है इन्फिनेट वाला. कंपनी में जाओ तो बोलते हैं एक्सपीरियंस लेके आओ, एक्सपीरियंस लेने के लिए तो कंपनी चाहिए. तो इसको, ये चिकन एंड एग जैसा है कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था. क्या करोगे इसको, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, राइट?
अगर आप थोड़ा सीरियस होके बिजनेस की शुरुआत करते हो अपने अर्ली स्टेज पर, आप में से कितने लोगों ने फेडेक्स कंपनी का नाम सुना है, जो एक कुरियर कंपनी है, राइट? फेडेक्स फेडेक्स वाज अ क्लास प्रोजेक्ट। वो स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में बच्चों ने कॉलेज से शुरुआत की थी, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, दे हैव देयर ओन एरोप्लेन टुडे। सो कॉलेज के टाइम को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, दैट इज द मैसेज आई एम ट्राइंग टू पास हियर, एंड दैट इज आवर टॉपिक, राइट? सो हाउ व्हाई यू शुड स्टार्ट एट कॉलेज लेवल, राइट? सो आज के जमाने में आई एम टेलिंग यू, मैं देख रहा हूँ 290 लोग इस कॉल पर है। अगर मैं यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल ये एक हैंड्स फ्री है, अगर मुझे इस हैंड्स फ्री का मार्केटिंग करना है तो मेरे लिए 280 लोग इस कॉल पर अवेलेबल है। अगर मैं कॉलेज पास ऑन कर दूंगा और मुझे 280 लोगों को एक कॉल पर लाना होगा, वो मेरे लिए पॉसिबल होगा? नहीं होगा, राइट? सो आपके लिए मार्केटिंग, आपके लिए लोगों तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज्यादा लोग चाहिए वो भी कॉलेज में ही है। एंड मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड व्हेन यू स्टार्ट अप। नाउ कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ओयो रूम्स? ऑलमोस्ट एवरीवन सर। Almost everyone, right? It is one of the largest hotel chain managed by a startup named Oyo Room. It's a $5 billion company, probably reaching out to $8 billion valuation very soon. So, do you know who started it? अगर किसी को नाम पता है तो आप यहाँ पर you know message में लिख सकते हैं। Vaibhav is saying the right name, Ritesh Agrawal, right? Ritesh Agrawal, okay. When did he start? How much experience did he has when he started? Does anyone know? He started the business at an age of 19. What is an average age of people who are on this call? क्या होगी आप लोगों की उम्र on an average इस call पे जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी होगी? 19, 20, right sir? आप ही की उम्र पे start किया था वो rooms. Why I am giving the real example? आप जानते हो. इनफैक्ट कुछ बोल रहा है 21-22, आप भी एक दो साल बड़े हो जो रितेश अग्रवाल ने स्टार्ट किया था उसकी उम्र से, राइट? जब उसने शुरुआत की ओयो रूम्स की, ही वाज 19, टुडे आई थिंक ही इज 28 और 27 और समथिंग, नॉट मोर देन दैट, ही वो मेरे से भी छोटा है। आई सॉ हिज इंटरव्यू व्हेन ही हायर्ड 900 पीपल इन द कंपनी, टुडे द कंपनी माइट हैव मोर देन 10,000 पीपल वर्किंग फॉर हिम, ही वॉज द यंगेस्ट। Now imagine 900 लोगों की कंपनी जहां पे सबसे छोटे आप हो, सबसे बड़े आपसे, पूरी दुनिया आपसे बड़ी है कंपनी में, आप ही सबसे छोटे हो। This proves कि experience does not matter. What matters is the knowledge of your business, how much hardworking you are, how good your idea is. Is it okay that people are willing to work for you regardless of an age? Generally क्या होता है, हमसे छोटे किसी इंसान के लिए काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है यार मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए ही काम करूंगा, मैं उससे कम बंदे एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए क्यों काम करूं। नाउ इमेजिन 10,000 पीपल वर्किंग फॉर अ पर्सन हुज एज इज द लीस्ट इन द ग्रुप, व्हाई विल समबडी टेक हिज ऑर्डर्स, राइट? बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ ही, जस्ट टू लेट यू नो, ही इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट। उसने कॉलेज ज्वाइन की थी पर कंप्लीट नहीं की, दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट कंप्लीट, बट ऑल आई एम सेइंग इज ही वाज वेरी मच क्लियर इन हिज थॉट कि उसको क्या करना है। सो व्हेन यू आर क्लियर यू डोंट नीड एन एक्सपीरियंस, राइट? द एक्सपीरियंस कैन बी गेन्ड थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बाय मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बाय गोइंग ऑन द स्ट्रीट एंड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाके होटल के मालिकों से बात करता था कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। And that he got the final good idea and he executed that, right? So experience is not a big problem. It can be gained while you're working. So जब आप काम करना शुरू कर दोगे, साथ साथ में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आपका आइडिया या बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, सीखने के लिए एक अंदर से इच्छा आपकी होनी चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब पता है, राइट?
आपको आपके आपकी उम्र से ऊपर के लोग मिलेंगे, आपसे छोटे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत चीजों पे सलाह देंगे कि आप ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो. एंड यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू डिस्कशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो एक्सपीरियंस इज नॉट समथिंग. ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ओयो रूम्स का, मैं से आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ और आप खुद भी ऐसे हजारों एग्जाम्पल लेके देख सकते हो जहाँ पे एक्सपीरियंस की इतनी एक्सपीरियंस के बिना लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. ग्रेजुएशन के बिना लोगों ने अच्छा काम किया, इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट, राइट? हम तो फिर भी पढ़ रहे हैं. सो सो सिक्स प्रॉब्लम आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. फिफ्थ प्रॉब्लम, एग्जीक्यूशन ऑफ एन आइडिया. आई मीन मुझे बताओ पेपर पे किस चीज की वैल्यू है, कौन सी चीज की वैल्यू है आज के जमाने में पेपर पर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो. ऐसे बहुत से बिजनेसिस थे जिनके आइडिया किसी और को आए और इम्प्लीमेंट किसी और ने किया, बट पूरा क्रेडिट किसको मिलता है, जिसने इम्प्लीमेंट किया उसको या जिसने आइडिया दिया उसको. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 285 लोग इस कॉल पर है राइट ना. अगर मैं आपको एक यहाँ से आइडिया देता हूँ कि ये बिजनेस चालू करो, मैं चालू नहीं करता हूँ, मैंने आपको खाली आइडिया दिया. इस 285 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट ने उस आइडिया को जाके एग्जीक्यूट किया, हु विल गेट द क्रेडिट एंड द बेनिफिट ऑफ ऑफ दैट आइडिया? शुड आई गेट द बेनिफिट और द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड शुड बी गेटिंग द बेनिफिट? Right? The person who executed. Right. Because yes, so idea की तो कोई value ही नहीं है. आपको अगर उसको execute नहीं करते हो, काफी ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास, कभी भी कुछ problem देखते हो क्या बोलते हैं, यार ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिस्टम के फॉल्ट निकालते हैं, जिनको रात को सोने के टाइम पे दो आइडिया आते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनको इतने आइडियाज आए बट सुबह सेकंड डे फिर से मॉर्निंग में उठ के अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो जाते हैं, दे फॉरगेट अबाउट एग्जीक्यूटिंग द आइडिया. सो विदाउट एग्जीक्यूशन देयर इज नो वैल्यू. आपको भले आप उसको पार्शियली एग्जीक्यूट करो, आप अपने एफर्ट जहां तक लगा सकते हो वहां पर एग्जीक्यूट करो, फिर लोग आपको हेल्प करेंगे उस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में, बट आपको एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा. आई मीन देयर इज नो ऑप्शन, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं आपको हेल्प कर सकूं. वो बिजनेस खुद करना है, पैसे खुद कमाने हैं, नाम खुद कमाना है, लाइफ में आगे खुद बढ़ना है, तो एग्जीक्यूट भी खुद ही करना पड़ेगा, राइट? सो देयर इज नो शॉर्टकट टू एन एग्जीक्यूशन. देयर इज नो जितना भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो यू नो आगे जाके बोलते हैं कि यार ये तो मेरा आइडिया था, आई कुड हैव डन दिस, बट आई मीन हाउ डज इट मैटर? मैं बोलूँ कि फेसबुक मेरा आइडिया था, मार्क जकरबर्ग से पहले मेरे को आया था, तो शुड आई बी बिलियनेयर? नो, he is the one who executed, he is going to be a billionaire. It is as simple as that. Idea does not carry any value if it is not executed. Idea has a value, by the way. India mein idea ki value hoti hai 2 crore agar aap paper pe likhte ho to. US mein idea ki value hoti hai $2 million. And why I am saying this thing, agar aap kisi investment venture capitalist ke paas ja ke paise raise karna chahte ho for your idea, to India mein aap aisa bol sakte ho ki mera idea 2 crore ka hai. अगर मैं आपको मेरे आइडिया से मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ उसका 10% चाहिए तो आपको मुझे 20 लाख देने पड़ेंगे. सेम चीज आप यूएस में ऐसा बोल सकते हो कि मेरा आइडिया 2 मिलियन का है, विच इज 14 करोड़ रुपीज, 14 करोड़ का है. अगर आपको मेरे आइडिया का 10% चाहिए तो आपको 1 करोड़ 40 लाख मुझे देना पड़ेगा और फिर हम दोनों साथ में एग्जीक्यूट करेंगे. आइडिया की वैल्यू है बट एग्जीक्यूशन के बिना इट कैरीज द जीरो वैल्यू. Right, so you have to definitely execute it. Then comes the fourth point, how to build a team. अब ये इस यहाँ पर आपका कॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि why you should start at college. अभी आप इतने सारे लोगों से घिरे हो, अभी आपके इतने दोस्त हैं, आज से 5-10 साल बाद जब अपने लाइफ में आप बिजी होंगे, आपको शायद इतने दोस्त नहीं होंगे, आप शायद रोज इतने लोगों से नहीं मिलोगे. आज के जमाने में हम कैंटीन में बैठे, अनफॉर्चुनेटली कोरोना टाइम में हम कैंटीन में नहीं बैठ सकते, बट लेट्स अज्यूम इट्स अ रूटीन लाइफ, राइट? और हम जूम कॉल पर है या हम दोस्तों से, भले ही आप मैं समझता हूँ कि जूम कॉल के अलावा भी काफी स्टूडेंट्स अपने आप को एक दूसरे के दिन में कॉल करते होंगे, बातें करते होंगे, कुछ ना कुछ डिस्कस करते होंगे. सो एक जो ग्रुप है आज के टाइम में और उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती है वो आपको बाहर नहीं मिलेगी.
अब बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्किल आई एम सेइंग कि मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, कोई प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई फाइनेंस में अच्छा है, अगर तीन लोग मिल जाए तो एक अच्छा बिजनेस बन सकता है, राइट? अब वो तीन लोग लाए कहाँ से? मैं आई कांट एक्सेप्ट कि मुझे सब सब कुछ आता है, और अगर मुझे सब कुछ आता भी है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, दिन के मेरे पास 8 ही घंटे, या तो मैं अपने 8 घंटे प्रोडक्शन पे फोकस कर सकता हूँ, या तो मैं अपने 8 घंटे मार्केटिंग पे फोकस कर सकता हूँ, या तो मैं अपने 8 घंटे HR या फाइनेंस पे फोकस कर सकता हूँ। मैं सारा काम तो नहीं कर सकता एक साथ, आई नीड पीपल। नाउ आइदर आई नीड पार्टनर्स और आई नीड आई आई नीड यू नो एम्प्लॉइज, राइट? नाउ द बेस्ट थिंग इज दैट बिकॉज यू आर इन कॉलेज यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस वेरी इजी। आपको पता है, आप ही को पता है कि आपका कौन सा फ्रेंड फाइनेंस में अच्छा है और मैं फाइनेंस में वीक हूँ। जस्ट गो टू हिम और हर एंड से मेरे पास ये आइडिया है, शुड वी गिव इट अ ट्राई? एंड आई एम श्योर बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्री फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स, ही और शी विल नॉट से नो एंड टेल मी द रिस्क ऑफ डूइंग दिस थिंग और इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग। आपका रिस्क कितना है? अगर मैं बोलूँ आप अभी 18 साल के 21 साल की एज पर हो, आई थिंक जब आपको एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीरियसनेस आएगी तब तक आप 24-25 के होंगे, राइट? सो यू स्टिल हैव 3 to 4 to 5 years ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। 25 साल के बाद एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, 1 साल में शादी करनी है, कहीं पे कुछ फैमिली प्रेशर है, हर एक की, मैं हर बार बोलता हूँ, हर एक की फैमिली कंडीशन सेम नहीं है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं है, हर एक का फैमिली बैकग्राउंड, हर एक का मेंटल पावर, कॉम्प्यूटेशनल पावर, सब कुछ सेम नहीं है। सो वी आर नॉट स्टैंडिंग एट द सेम लाइन ऑफ अ रेस। आपने ओलंपिक में वो रेस, रेसिंग ट्रैक देखा है? राउंड राउंड होता है, अंदर का राउंड छोटा होता है, बाहर का राउंड बड़ा होता है, तो देखा है लोग आगे 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 खड़े होते हैं एक दूसरे से, वो कितना किलोमीटर उनको दौड़ना है उस हिसाब से उनका अलग अलग होता है। वैसे ही अब हम सब लोग अलग 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 जगह पे खड़े हैं, कोई मेरा फ्रेंड है जो मुझसे पीछे खड़ा होगा, कोई मेरा फ्रेंड है जो मुझसे आगे खड़ा होगा, राइट? सो वी आर स्टैंडिंग एट अ डिफरेंट लेवल, बट फॉर दिस 3 to 4 years यू हैव द लीस्ट लीस्ट रिस्क इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। क्या होगा अगर आपने एक बार कुछ चालू किया कॉलेज में, मुझे आपका ईयर तो नहीं पता क्या फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या क्या हो, बट क्या होगा अगर आपने चालू किया, 6 महीने कुछ भी किया। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने लाइफ में सबसे पहला काम किया था वो था स्टेशनरी, स्टेशनरी की दुकान पे दिवाली वैकेशन में मैं स्टेशनरी बेचने जाता था। मैंने वड़ा पाव भी बेचे हुए हैं 2007 में। हियर आई एम इन 2020, आई वोंट से आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, बट आई एम अ डिसेंट एट अ डिसेंट स्टेज। डज इट मेक एनी डिफरेंस के पास में मैंने क्या किया है? वंस यू गेट सम काइंड ऑफ सक्सेस, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, बट ऑल यू गेट इज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड the bookish experience has lesser value than the practical experience, and because you are in college, aaj ke zamane mein, aaj ke time pe aap bahut sa aisa practical experience le sakte ho with the help of college. I'm sure college aapko help karega agar aapko kuch bhi practical karna hai, to aapke 5 dost aapko help karenge, aapke faculty aapko help karenge. So mere hisab se college mein team banana bahut aasan hai, ya fir at least bahar nikalne ke baad banane se to aasan hi hai, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से कनेक्टेड हो, कॉलेज के बाद शायद आप इतने लोगों से कनेक्टेड नहीं होंगे। एंड देन द हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, एज आई मेंशन, बहुत से ऐसे दुनिया में बिजनेसेस है जो बहुत स्मॉल स्केल पे शुरुआत हुई थी। आप में से किसी ने ज़ेरोधा कंपनी का नाम सुना है? इट्स अ शेयर मार्केट कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर मार्केट कंपनी इन इंडिया टूडे, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड एन अमेजिंग वॉल्यूम। दैट कंपनी स्टार्टेड इन 2010 at a very small scale. They have never raised funding, and it's kind of a unicorn. Both the founders are billionaires today. So 2010 में छोटे से लेवल पे शुरुआत किया था ज़ेरोधा कंपनी का, शेयर मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, विद अ वेरी अपफ्रंट मिशन के हमको ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग देना है इंडिया में। उस टाइम पे ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग नहीं था, एंड दैट कंपनी एंड बोथ द फाउंडर नितिन एंड हिज ब्रदर बोथ आर बिलियनर्स टुडे। So, कोई भी बिजनेस आज 2020 में डेफिनेशन है स्टार्टअप का, आज से 10 साल पहले स्टार्टअप का डेफिनेशन भी नहीं था। लोग ये कहते थे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई ये नहीं बोलता था हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया है।
बिजनेस और स्टार्टअप का डेफिनेशन में डिफरेंस ही है. बिजनेस इज प्योर 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 टू मेक मनी. स्टार्टअप में हैव अदर एलिमेंट्स लाइक रेजिंग फंड और स्केलिंग फास्टर और व्हाट्स एवर. बिजनेस कैसा होता है, एक फैक्ट्री बनाया, प्रॉफिटेबल रहे पूरे लाइफ टाइम में, दैट इज वॉट वी कॉल बिजनेस. सो आई थिंक एंड यू डोंट हैव टू थिंक जो आप पहला बिजनेस करोगे या पहला स्टार्टअप करोगे वो लाइफ टाइम है. बहुत सारे लोग, महिंद्रा का जो को फाउंडर था वो आज क्योर फिट करके एप्लीकेशन चला रहा है महिंद्रा बेचने के बाद. हर एक बंदा मूव ऑन करता है लाइफ में. यू डोंट नीड टू थिंक कि मैंने जो आज चालू कर दिया मैं तो 5-10 साल उसके ऊपर लटक जाऊंगा. नहीं, तुम जो चालू कर रहे हो वो सीखने के लिए कर रहे हो. तुम नेटवर्क बनाओगे, तुम 10 ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुमको बिजनेस के बारे में बात करेंगे, एंड फिर उसी नेटवर्क उसी लोगों के साथ तुम शायद फ्यूचर में नया बिजनेस भी कर सकते हो, राइट? सो दैट वाज द थर्ड प्रॉब्लम. एंड द सेकंड वन इन द रिवर्स नंबर इज आइडिया. यार ये तो इंटेलिजेंस है जिसने ये इतना, और ये भी कैसा चीज है, इसमें छोटा सा क्रैक है. अगर आप बहुत पढ़ते हो सो दुनिया से अपडेटेड रहते हो, सो अपार्ट फ्रॉम योर बुक नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू शुड स्टडी वेल एंड गेट गुड नंबर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव अपडेटेड फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. आप न्यूज़पेपर, आज के जमाने में न्यूज़पेपर थोड़ा डाइल्यूट हो चुका है, इंटरनेट पे ऐसे ब्लॉग्स आर्टिकल्स आप कितना पढ़ते हो, तब आपके पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है, तब आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, और फिर ही आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हो, राइट? अगर आप अपने आसपास कहीं पे देखते हो कि कोरोना टाइम में ये प्रॉब्लम आया, तो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढना स्टार्ट करोगे. बट आप अपनी आंखें बंद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे. प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो बिजनेस. सो यू हैव टू हैव अपडेटेड. You have to discuss a lot with your friends and colleagues and your faculties. आधे घंटे का brainstorming करना चाहिए तुमको अपने faculties और student friends के साथ कि यार ये problem ऐसा नहीं, इसकी जगह ऐसा solve करते तो, right? तो I think ideas can only, it's an exercise. So it can only be generated if you discuss along. आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे कभी कभार discuss करने के बाद हमारा perspective पूरा change हो जाता है चीजों पर. So idea can only be generated if you are staying updated, discussing a lot and reading a lot. And the first and the last problem that we started with was family pressure. देखो ये हर एक को होता है, ये तो मुझे भी था. अब मेरे केस में क्या था, my sister is an MD microbiologist. वो 95% 90% वाली लड़की थी और मैं तो तकरीबन मान मान पास होके निकलने वाला बंदों में से था. सो मेरे केस में क्या था, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे आशा ही नहीं रखी कि ये कुछ कर पाएगा. सो शुरुआत के करियर में दे थॉट यू नो वो शायद इंटरवेन करे, पूछे कि क्या कर रहे हो बेटा लाइफ में, क्या प्लान है, ऐसा कुछ. एक टाइम पर उन्होंने पूरा होप ही छोड़ दिया था कि यार अब इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो कॉलेज भी छोड़ के कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहा है, ये क्या ही कर लेगा. एंड आई विल टेल यू, जब लोगों को आपसे कुछ भी आशा नहीं होती है ना, आप फ्री फॉल होके जो करना है कर सकते हो. इट्स लाइक जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग, वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल है, या तो आप लास्ट, आपको बॉलिंग दिया है, यू हैव टू विन द गेम फॉर द टीम, या फिर आप एक लास्ट बैट्समैन हो, आपको, आपने पूरी मैच ही नहीं खेली पर आपको लास्ट इनिंग में भेज दिया सिक्स मारने के लिए और अभी 2 बॉल बाकी है. जस्ट इमेजिन, नॉट एवरीबडी कैन परफॉर्म इन प्रेशर, राइट? नाउ हाउ टू रिड्यूस दिस प्रेशर, आप इस प्रेशर को कम कैसे कर सकते हो. देखो मैं आपको कुछ टिप दे सकता हूँ इससे शायद आप कम कर सको, बट वो फैमिली टू फैमिली, पेरेंट टू पेरेंट डिपेंड करेगा. सक्सेसेस ऑफ इवेंट, सो फॉर एग्जांपल अ माइनर सक्सेस इन लाइफ, बहुत ही छोटी सी सक्सेस कि आपने कुछ एफर्ट किया, आप माइनॉरिटी, आपको सक्सेस मिली, आपने अपने जाके पेरेंट्स को बताया कि देखो मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं अपने काम ठीक से कर रहा हूँ, और ये मैंने, फॉर एग्जाम्पल जिनके जो रैंकर है ऑलरेडी, जो अच्छा रैंक लाते हैं, आई डोंट थिंक देयर पेरेंट्स विल एवर टेल देम टू रीड, राइट? बिकॉज दे नो, अब क्या बोलने का, आप तो अच्छे ही नंबर लाते हो. सो अगर आप बिजनेस में भी, इफ यू डूइंग सम गुड थिंग इन योर एक्टिविटी, अगर आप अच्छा बिजनेस बनाते हो, अच्छे से कुछ प्रेजेंट करते हो, एंड यू डू सम माइनर अचीवमेंट इन योर लाइफ, योर पेरेंट्स विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू मोर टाइम टू टेक रिस्क अबाउट. सो मेरे केस में क्या था, मैंने घर से कंपनी स्टार्ट की, तो आई मैनेज टू डू स्मॉल स्मॉल बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम माई हाउस. आई मैनेज टू बिल्ड अ स्मॉल टीम. सो मैंने 3-4 लोगों को कन्विंस कर लिया था जो मेरे घर पे आते थे, मेरे साथ काम करते थे. सो पेरेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग के अगर ये 4 लोगों को
अपने साथ बिठा के काम करवा सकता है, इट मीन्स इज डूइंग समथिंग राइट, अदरवाइज पीपल विल रन अवे, राइट? पीपल विल नॉट स्टिक विथ मी फॉर एवरी डे इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट. कुछ कुछ क्लाइंट्स ने पैसे दिए जो मैंने घर पे आके दिखाया पापा को, चेक देखो पापा पैसे मिल रहे हैं, यू नो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अर्निंग इनफ दैट टाइम, बट आई हैड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस एट हाउस बाय सेइंग सी आई एम डूइंग समथिंग राइट. एंड देन डेफिनेटली योर पेरेंट, योर मॉम एंड डैड विल गिव यू इनफ टाइम टू कंटिन्यू विथ योर ड्रीम, बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू सर्टेन एक्टिविटी, यू हैव टू रीड, यू हैव टू मीट, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग. और माइनर सक्सेस भी अगर आपको मिलने लगी तो आपको आपको आपके फैमिली प्रेशर आपसे हटा देगी और आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने बिजनेस पे और अपने आइडिया पे काम करने के लिए. और कॉलेज टाइम पे तो प्रेशर होता ही नहीं है. कॉलेज मुझे बताओ कौन सा बच्चा है जो बोलता है कॉलेज में जा रहे हो साथ में महीने के 25,000 भी घर पे लेके आओ? कौन से पेरेंट्स ऐसे होते हैं? दे नो यूर दैट यू आर रीडिंग, राइट? यू आर इन कॉलेज. बट अगर कॉलेज के टाइम पर अगर आप महीने के कुछ भी अमाउंट आप यू नो बाय योर बिजनेस इफ यू मेकिंग, तो कॉलेज खत्म होने के बाद आपको तुरंत कुछ नहीं बोलेंगे. यू ऑलरेडी हैव प्रूवन दैट यू कैन डू बिजनेस, राइट? सो विद दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड एज प्रॉब्लम. देयर आर आल्सो मेनी थिंग्स वी कैन गो ऑन फॉर एवर व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, बट आई विश के इस कॉलेज से इस सेशन में जो 250-300 लोग अवेलेबल थे कॉल पर, वो सभी के सभी लोग अपने अपने करियर में जब भी चांस मिले बिजनेस की शुरुआत करें और डरे नहीं, जज होने से डरना नहीं है. सो आई डोंट थिंक कि लोग हमको जज करेंगे. मैं एग्जांपल देता हूँ, 8 कंपनी बंद होने पर कुणाल शाह को लोगों ने बोला होगा कि तेरी कंपनी तो चालू कर रहा है बंद हो जा रही है, और 10वीं कंपनी IPL में एड दे रही होगी, वही लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोग इसको खाली पीली बोल रहे थे तो बहुत ही स्मार्ट इंसान है. सो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर धोनी और यू आर सचिन तो आपको पहली बैटिंग वर्ल्ड में जब आपको चांस मिला पहली बार आपको सिक्स मारनी है. इट टेक्स 15 years, 10 years फॉर पीपल टू नो दैट यू आर सचिन और यू आर धोनी, राइट? यू कांट प्रूव योर वर्थ इन जस्ट 3 months और यू नो 6 months. यू हैव टू स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ बेटर बिजनेस. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड. I don't know if you have any Q&A, people want to ask anything, I am still available. And thank you so much from the bottom of my heart for giving me this opportunity to come on the call and discuss about those things. Anyone would like to ask any last question? Sir, any last message or advice to the students? Conclusion. Yeah, so I think how you can differentiate yourself is very much important in today's life. I'll tell you, एक साल पर हजारों इंजीनियर हजारों MBA बाहर निकल रहे हैं, right? और वो सही सभी इंजीनियर सभी MBA सभी कंपनीज के लिए अवेलेबल है. So if I have to hire you, why should I hire you? First of all, what extraordinary do you have? और वो कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं. You have to read. You have to learn and you have to be the best of what you're doing. एक चीज अगर आपको अच्छी आती है, अगर आपको बेस्ट आ रही है, आपको आगे जाके बिजनेस में या जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको ये भी नहीं सोचना है कि बिजनेस करने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए. हमको लगता है कि मैं तो मार्केटिंग में अच्छा, मेरा फाइनेंस बहुत कच्चा है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता. All you need is a good person or a partner or a co-founder who understands finance well and you have to trust that person. So अगर कोई भी ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन है जो आपके दिमाग में है, आपको लगता है कि अगर ये मेरे लिए बैरियर है बिजनेस करने से, सो उसको आज के आज तोड़ दो. और ऐसा सोचो कि मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है बिजनेस करने का. जो भी बैरियर आएगा, जैसे हमने 8 प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वैसे ही हम 80 प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ऑल यू हैव टू डू इज गो आउट एंड रीड एंड लर्न एंड यू नो क्रैक दैट प्रॉब्लम, दैट्स इट. एंड द ओनली पर्सन हु विल क्रैक दोस प्रॉब्लम, if it is easy everybody can do it, why do we appreciate you know movie stars or a businessman? Because it's a tough task to do. If it's easy, there's no celebrity in the world, right? So you have to do something which is out of the box and you have to start today, otherwise time will run out very fast. So that is all my advice to everybody who is listening on this call. Okay, thank you so much, sir. There is a small announcement for all of you students. Yeah.
विक्रांत इंक्यूबेशन सेंटर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहता है, स्टार्टअप आइडिया कंपटीशन है ये। बेसिकली जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपका आइडिया है, उस आइडिया पर हम लोगों ने कंपटीशन रखा है। रजिस्ट्रेशंस आर देयर स्टार्ट एंड इट हैज लास्ट डेट ऑफ 26 दिसंबर 2020। दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अप्लाई कैन गो थ्रू द लिंक एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस एज वेल। द फर्स्ट प्राइज इज 15। स्टार्टअप बिजनेस आइडिया का फर्स्ट प्राइज है ये, और सेकेंड प्राइज में भी आपको पैटेंट फिलिंग, और हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवाइए, आइडिया लेके आइए, जैसा भी हो हम लोग 100% सपोर्ट करेंगे। एक और आइडिया है, एक और कॉम्पिटिशन है, दैट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ये ऐप बेस्ड नहीं है, आप कोई सा भी आइडिया लेके आ सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस रूमिया अगाशे, मैनेजमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ग्वालियर, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट मैम टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू मिस्टर मितेश शेठवाला सर। Thank you so much, ma'am. I really deem it a privilege today to listen to Mr. Mithilesh Shetwala, because generally when we get speakers from industry, they are more into giving the top end managerial knowledge. But when I was listening to Mr. Mithilesh today, I really found that he spoke from heart. He spoke from his experience, the nitty-gitties of how startups have their own storm, how an individual can fight with those storm and come out as a successful person. So on the outset, at a personal front, first of all, I would like to thank such a wonderful speaker for, you know, deliberating his experience to all our students. Students, as Madam has already spoken about, that the college is already at its verge of starting an incubation center, startup incubation center. On that front, let me bring to your kind notice that the college is also now a member of REDEC. REDEC is REDC, that is Rural Entrepreneurship Development Cell. So Vikrant Group of Institution, it has a tie-up with Government of India, wherein the college is also running a REDEC cell. This REDEC cell is meant to help you incubate your startup ideas, to make your business plans. And as faculties, as your mentors, we will be able to kind of walk you through your business plan, help you to better structureize the business plan. Once the REDEC cell and you with your startup ideas have a clear project ready, we will definitely conduct a small competition wherein the top three ideas will be proposed at regional level of REDEC. Ma'am, can I share my screen? Yes, ma'am, you are co-host also. Okay. You can. So I am sharing the notice that has been provided to us from our REDEC supervisors for the REDEC cell of Vikrant College. So now what you need to do is you need to set up your ideas. Okay, as Mitesh sir has spoken today, the most important thing is the idea. And second, foremost important thing I would say is implementing that idea, right? Idea can be unique, but it is more important that implement that idea into reality. So how a REDEC cell works is REDEC cell would comprise of five officers from the college who would be supporting your ideas through technology that might help you for the project, through the communication that might help you through the project, through the presentation of your project, and maybe with other fine tuning of your project. So once through REDEC cell, Rural Entrepreneurship Development Cell, agar aapka koi idea aapke paas hai, aap usko refine kijiye,
और उसको आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस बिजनेस प्लान को आप बनाए. मैं फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करूंगी. वंस दिस वर्कशॉप इज उड़ान इज ओवर विद इन 2 weeks, ट्राई टू मेक, अगर आपका कोई स्टार्टअप प्लान है तो उसको प्रोजेक्ट प्लान में कन्वर्ट करें. द बेस्ट 3 projects विल बी फॉरवर्डेड टू द रीजनल लेवल. Now, today on chat box, there were so many students writing one single question again and again, funding, right? So as soon as aapka project regional level pe jayega, so regional level pe alag alag red excels across India, wahan se log aate hain. Aap jaise young students, 18, 19, 20 age group ke students aate hain apna business plan lekar, jisko REDEC help karta hai और सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करने को. एंड जब आप ये प्रेजेंट करते हैं तो वेरियस एंजल इन्वेस्टर्स एंड फर्दर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और समझते हैं. इफ दे फाइंड इट गुड, यू गेट एन इमीडिएट इन्वेस्टमेंट. सो जो चैट बॉक्स में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहा था, फंडिंग, फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर स्टार्टअप्स टूडे, विच आर यू नो एस्टीम्ड गेस्ट वुड टोटली एग्री विद. इफ यू हैव Yeah, so sorry to you know skip that part that was asked. Probably I took it as a problem as well, but I forgot to solve. But you have solved it very rightly. So any company that you know of that when I say company, let's say startup that you have seen, you have heard, or you have used product, whether it is Flipkart, Jabong, Zomato, Swiggy, Uber, Ola, Book My Show, Facebook, WhatsApp, whatever, Twitter. Not a single company, the founder has invested money, the founder has built a business and reached to the investor, including Reliance. So you might have heard, you know, Reliance has raised a lot of money through private equity. So it's like when you build a business which is going to make a lot of profit, a lot of investor will come to you and will take 5%, 10%, 2%, 30% equity of your business, which is partnership in the company, and they will invest money on behalf of that equity. Which is very easy if you build a business which attracts a lot of investor for the profit that you're going to make. So I think that is one of the way. And the second way, as ma'am rightly said, through such platform, you can reach out to a lot of angel investor who invests in a high risky early stage ideas. And you know, you can grow the business. So sorry for skipping that part, but yes, as ma'am said, this is not a problem anymore in today's life. And all the businesses, if Reliance needs money, who are we? I mean, we also need money, right? And that can be solved. You just build a business which is profitable, everybody will come to you and will ask a pie of your business. So it is like, that's very simple. Yes, ma'am. So, sir, towards the same, so there are certain deadlines that has been proposed to us and we have to adhere to it. First thing is that as soon as this workshop ends, within 2 weeks, you should have a business plan ready. The format of business plan, I'll discuss shortly. Once your business plan is ready, before 21st August, we have to fine tune the best projects and send it. 21st January, we have to send it to the regional heads, wherein your and by 26 January, once they sanction the business plan and the flow of presentation on 26 January, you can present it at regional level. At regional level, like us as Vikrant College, Red Excel, there will be several colleges who would be participating, and the best 6 plans would be spot on funded, 100%. So, you know, it's a wonderful opportunity being supported by government for youth like you and I would include me in. And yes, it can be done. And even these regional would again go to national level. So as soon as you reach regional level, your exposure towards investment, towards funding starts. Okay, so now, before I talk about the blue colored regional level business plan presentation and national level business plan presentation, let's cover these plans. Okay, how do you have to make your presentation of business? One thing is idea, and second thing is presenting your idea in a tangible form. Ki bhai, agar mere paas business hai, mere paas ek idea hai,
इस आइडिया का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा या सर्विस क्या बनेगा, उसको प्रेजेंट करने का इन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइन दे रखा है. सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट अप, जस्ट हैव अ शॉर्ट नोट ऑन इट. यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन पर्सन और योर ममता मैम और इंक्यूबेशन सेंटर्स हेड फॉर द सेम फॉर्मैट. यू विल हैव टू मेक एन एग्जीक्यूटिव समरी विच विल, if you can see on the screen, which will talk about what is your company's mission, what would be your product or service, and how it would be unique with the perspective of competing businesses. Okay, then you have to give your company's description, what would be your company, what would be its goal, what would be its standing, the market analysis of for the product, right? These details will be provided to you. Then the competitive analysis, I am sure there are so many MBA and BBA students who are aware of SWOT analysis, PESTEL analysis, VRIO analysis, right? So you have to do the analysis, competitive analysis for the business that you have to present, followed by the breakdown of products and service that you're going to provide, kya kya uske subsections honge, and the marketing plan. So sales strategies, request for funding, how much funding you would need, that also needs to be projected, and the financial project and bottom line and implementation along with these many annexures. So today, since we are almost, we have crossed the time, I would be forwarding you the guidelines in the similar fashion. You have to in particular read the guidelines given by REDEC. Try to, these are very standardized guidelines. So even if you are competing for REDEC or you are proposing the same business plan to an already identified angel investor or to a bank, you need to follow this format to start any business. Okay. So what is my humble request to all of you? First, as sir said, you need to incubate, you need to identify an idea, followed by that, try to streamline your idea into a tangible project form, right? Into a business plan using these headers, right? Once you're done with it, try to make a presentation under all these sections and you know, consult your faculties about where all things can be added and deleted. And then you can, you know, as ma'am has today spoken, that there's a competition also organized at college level. So you can present it in the college. So when we, you know, kind of systematize your ideas, I think the implementation will be far more quicker, effective, right? So on that note, without taking much of your time, I would just today, my purpose of speaking was to introduce you that to the REDEC cell that is there with Vikrant. You can always approach us, and we also have incubation center in the you know, at the campus, so you can always incubate, you know, make up your idea, come up with a plan, and we can perhaps lead you to implementation of your plan. On that note, I, on behalf of Vikrant Group of Institute, first of all thank the organizing members for you know, for organizing such a wonderful startup event, Uran. I would also like to thank, I have already thanked once Mr. Mithilesh Shethwala, but from bottom of my heart, I would thank you for sparing your experience, your feelings about startup, and definitely for the valuable time that you have put towards motivating our students for startup. Individual, as India is moving towards Atmanirbhar Bharat, such initiatives by the corporates nearby and for organizations and businesses like you would help our students definitely to boost up and promote Atmanirbhar Bharat in a larger way. I would also like to thank all the principals of both the campuses, heads, faculties, and students being there to today's show. Thank you so much once again. On my behalf, I welcome you to the REDEC cell, and thank you so much. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot, sir. It was very, very informative session. I hope to see you in campus soon, sir.
Thank you. Sure. Let's hope the vaccine works instead of 90-92% or 94%, it start working 100%, and I'll be there very soon. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, everybody.